हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में अपन ने बैक्टीरियल डिजीज़ कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करना है वायरल डिजीज़ेस के बारे में। ठीक है, तो ये जो वायरल डिजीज़ेस हैं ये होती हैं, वायरस अगर बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उसके बाद ये वायरल डिजीज़ और एंटर करने के बाद रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक है, तो जब वो ज़्यादा नंबर में रेप्लिकेट हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, तब हम क्या होते हैं, डिजीज़ के साइन हम शो करने लगते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी की। ठीक है, हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी जो दोनों हैं वो सिंपल कौन से वायरस से होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो कॉज करता है हेपेटाइटिस ए, और जो हेपेटाइटिस बी है वो होता है बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। और हेपेटाइटिस बी होता हेपेटाइटिस बी वायरस से। ठीक है, तो हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, तो हेपेटिक मतलब होता है लिवर, तो मोस्टली ये जो दोनों डिजीज होती हैं ये लिवर को इन्फेक्ट करती हैं, और जो हेपेटाइटिस ए है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होती है। ठीक है, अगर गंदा पानी पीने से या गंदा पानी के खाना कांटेक्ट में आने से, खाने से उसको, तो वो जो वायरस है हेपेटाइटिस ए वायरस वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और उसकी वजह से हेपेटाइटिस ए अकर होने लगता है। ठीक है, अब जो हेपेटाइटिस बी है वो होता है डिफरेंट थिंग्स से, इन्फेक्टेड ब्लड या सेमन, या अगर कोई बॉडी का फ्लूइड किसी हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो हेपेटाइटिस बी होगा। ठीक है, तो इन्फेक्टेड ब्लड, सेमेन या अदर कोई बॉडी फ्लूइड अगर किसी डिजीज्ड पर्सन का हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है तो वहाँ पर हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है उस हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो है इंटरफेरॉन्स इंजेक्शंस। दोनों का ट्रीटमेंट है एंड एडुकेट रेस्ट। ठीक है, तो ये हैं वायरल की दो डिजीजेस हमने पढ़ ली हैं, हेपेटाइटिस ए एंड बी। अब ये ध्यान रखना है कि जो हेपेटाइटिस ए है वो होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, और हेपेटाइटिस बी जो है वो होता है अगर कोई पर्सन डिजीज्ड पर्सन के ब्लड या सेमेन या कोई उसका बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट क्या है? इंटरफेरॉन्स के इंजेक्शन और एडिक्वेट रेस्ट। ठीक है, तो इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन इसका यही है कि ऑब्वियसली जो कॉज कर रहा है उसी से ही दूर रहना है। ठीक है, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से बिल्कुल दूर रहना है, कहीं का भी गंदा पानी या खाना नहीं खाना है,
और हेपेटाइटिस बी है। तो यानी कि जब भी अगर आप किसी के ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो फटाफट से आपको कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, दूर रहें जितना भी दूसरों के ब्लड के कांटेक्ट से या उनके बॉडी फ्लूइड से, ठीक है। तो ये दो डिजीज़ थी, आगे की पढ़ते हैं। ठीक है, रेबीज, सबने नाम सुना होगा, रेबीज जो है वो एक पागल कुत्ते के काटने से होती है। तो वो कौन सा वायरस है जो उस डॉग के अंदर होता है और अगर वो किसी ह्यूमन बींग्स को काट ले तो वहाँ पर रेबीज हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो वायरस है वो है रेबिडो वायरस। ठीक है, रेबिडो वायरस, ठीक है। तो ये जो रेबिडो वायरस है, ठीक है, तो ये जो रेबिडो वायरस है ये जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उसके अंदर कुछ इस तरीके के मेंटली इल होने लग जाता है पर्सन, इस तरीके के कुछ उसके अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो है एंटी रेबीज के इंजेक्शंस, ठीक है। और ये फैलता कैसे है, अगर कोई बाइट ऑफ एंड रेबिड डॉग, ठीक है, अगर कोई डॉग है उसको पहले से ही रेबीज हो रहा है तो अगर वो किसी ह्यूमन बींग को काट लेता है तो ये वायरस उस ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है एंटी रेबीज के इंजेक्शंस। ठीक है, एंटी रेबीज इंजेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है दैट इज इन्फ्लुएंजा। और ये होता है बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, अब इन्फ्लुएंजा क्या होता है, जुकाम। तो जुकाम जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। और ये कैसे स्प्रेड होता है, बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जाता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन जाएगा बाय कफिंग एंड स्नीजिंग। पर्सन टू पर्सन जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं। ठीक है, रेबीज का ट्रीटमेंट रेबिडो वायरस है इसका वायरस और स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ एंड रेबिड डॉग। ट्रीटमेंट है इनके एंटी रेबीज इंजेक्शंस। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा के लिए है वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस स्प्रेड थ्रू द कफिंग एंड स्नीजिंग, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है एंटी वायरल ड्रग्स। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, और ये होता है बाय एचआईवी। ठीक है, तो एचआईवी के थ्रू ये डिजीज फैलती है। एचआईवी भी एक वायरस का नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
और ये वाला जो ये मतलब ये वायरस क्या करता है, ह्यूमन के अंदर उसके इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है एड्स, और ये फैलता है स्प्रेड ठीक है, स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और कोई इन्फेक्टेड ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने से, या फिर कोई इन्फेक्टेड सिरिंज यूज़ करने से, ठीक है। इसकी वजह से ये वायरस जो है वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर आ सकता है। इसका ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट इसका अभी तक भी नहीं है, तो ट्रीटमेंट है इसका नो क्योर। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। रेबीज रेबिडो वायरस से होता है, स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड डॉग। एक और यहाँ पर इसके सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है, रेबीज के अंदर जो रेबीज अगर किसी हेल्दी पर्सन को हो जाता है तो उसके यहाँ गले में पूरा एक नेट बन जाता है, तो उसको पानी पीने में भी इतना दर्द होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब खाना तो दूर की बात है, वो पानी में भी इतना दर्द होता है, इसीलिए उस पर्सन को पानी से भी डर लगने लग जाता है। इसलिए इसका एक कॉमन सिम्टम है, दैट इज हाइड्रोफोबिया। ठीक है, पानी से डर लगने लग जाता है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स डरना, ठीक है। तो पानी से भी उस इंसान को डर लगने लग जाता है। इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, एक दूसरे के अंदर कफिंग स्नीजिंग से फैलता है। इसका ट्रीटमेंट है एंटीवायरल ड्रग्स हैं इसके लिए, ठीक है। उसके बाद है एड्स, एड्स फैलता है एचआईवी से, और ये फैलता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या इन्फेक्टेड ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने से, या फिर कोई इन्फेक्टेड सिरिंज वगैरह शेयर करने से, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो कुछ नहीं पता, नो क्योर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज है मीजल्स। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज है यहाँ पे मीजल्स, ठीक है। मीजल्स जो है वो होती है रुबेला वायरस से। ठीक है, रुबेला वायरस से। रुबेला वायरस की वजह से, और ये स्प्रेड होता है ऑल्सो बाय कफिंग एंड स्नीजिंग से। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका कोई क्योर नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब अपने आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है, बट जो सिचुएशन है वो 7 to 10 days में अपने आप रिक्योर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद
ये डिजीज हो गई। अब उसके बाद है लास्ट मम्स। ठीक है, अब ये जो मम्स हैं ये होते हैं पैरामिक्जो वायरस से। हाँ पैरामिक्जो वायरस से, ठीक है। और ये भी स्प्रेड होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ठीक है, पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट से होगा या फिर इन्फेक्शन जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स मतलब जैसे कि वही सेम कफिंग या स्नीजिंग। ठीक है, अब इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो भी एज सच कोई क्योर नहीं है, लेकिन कुछ पेन किलर्स इसके जो सिम्टम्स हैं जैसे कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। मम्स में क्या होता है, यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो स्वेलिंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है और फीवर के भी सिम्टम्स शो करता है पेशेंट। तो इसीलिए जो उसके सिम्टम्स हैं, इस डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं उनको क्योर करने के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया है। तो ट्रीटमेंट है इसके लिए, पेन होता है तो कुछ पेन किलर्स, फीवर आता है तो पैरासिटामोल, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी सारी वायरल डिजीज। स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी से स्टार्ट किया, मेजल्स किया हमने, मम्स पढ़ा, ठीक है, एड्स पढ़ा, इन्फ्लुएंजा वायरस पढ़ा, ठीक है, और ठीक है यही सारी डिजीजेस थी। तो ये कंप्लीट होती हैं वायरल डिजीज। स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोअन्स। यहाँ पे हम दो डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, मलेरिया एंड अमीबियासिस। ठीक है, तो मलेरिया जो डिजीज़ होती है वो ऑब्वियसली मच्छर के काटने से होती है। तो इसके जो वायरस हैं वो भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि फैल्सीपैरम प्लाज्मोडियम, फैल्सीपैरम प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड फैल्सीपैरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ओवेल मलेरिया
एंड वाइवैक्स, ठीक है। तो ये सारे हैं फैल्सीपैरम, ओवेल, मलेरिया एंड वायरेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। ये जो अलग अलग टाइप के वायरस है जिनकी वजह से एक ही डिजीज़ होती है, दैट इज़ मलेरिया, ठीक है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो सबको पता है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मलेरिया का सबको पता है कि मलेरिया के लिए क्या दिया जाता है, क्विनाइन दिया जाता है। और स्प्रेड होती है ये बाय मॉस्किटो बाइट, ठीक है। ये मॉस्किटो की वजह से ही ये वाले वायरस जो हैं वो अंदर चल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजीजेज हैं उसके बाद है अमीबियासिस। अमीबियासिस होता है एंट अमीबिका, एंट अमीबिका हिस्टोलाइटिका, ठीक है। एंट अमीबिका हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा सॉरी, ठीक है। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से ये डिजीज़ होती है, और ये जो डिजीज़ है ये ट्रांसफ़र होती है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से ये डिजीज़ होती है, और इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज जो एंटी अमीबिक ड्रग्स। मलेरिया एंड अमीबियासिस, प्रोटोजोअन डिजीज दो तरीके की है हमारे पास, एक है फॉर एग्जाम्पल दो तरीके की हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल है नंबर वन इज मलेरिया, दूसरी वाला है यहाँ पे अमीबियासिस, ठीक है। सो प्लाज्मोडियम फेल्सी पैरम, ठीक है, एंड प्लाज वन, दिस इज नंबर वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। तो ये सारे हैं प्लाज्मोडियम कैटेगरी के, तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। तो ये सारे किसके थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं, एक हेल्दी पर्सन के अंदर जाते हैं बाय अ मॉस्किटो बाइट की वजह से जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट है क्विनाइन, ठीक है। यहाँ पर दूसरा डिजीज़ का हमने एग्जाम्पल लिया है अमीबियासिस, जिस जो कि होती है बाय एंटा अमीबिका हिस्टोलाइटिका, और ये जाता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है एंटी अमीबिक ड्रग्स, ठीक है। तो ये था अपने कुछ डिजीजेस के एग्जाम्पल, बैक्टीरियल, फंगल एंड प्रोटोजोअन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा हमें और करना है डिजीजेज इन एनिमल, एनिमल के अंदर कौन सी डिजीजेज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एंथ्रेक्स डिजीज़ है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। एनिमल्स के अंदर एक डिजीज है एंथ्रेक्स, जो कि होती है कैटल्स में,
होती है बाय बैक्टीरिया, ठीक है। ये डिजीज़ है एंथ्रेक्स, एक डिजीज़ होती है जो कि कैटल्स के अंदर दिखाई देती है और ये होती है किसी बैक्टीरिया से। उसके बाद है फुट एंड माउथ डिजीज़, और ये भी होती है किसमें, कैटल्स में, और होती है बाय वायरस से, ठीक है। कैटल्स में होती है फुट एंड माउथ डिजीज और कॉज होती है बाय वायरस। दूसरी है रानीखेत डिजीज, ये डिजीज होती है पोल्ट्री में, और दिस ऑल्सो अकर्स बाय वायरस, ठीक है। तो ये कुछ डिजीजेज हैं जो कि एनिमल्स के अंदर होती है, एंथ्रेक्स कैटल्स के अंदर होती है एंड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज जो कि कैटल्स के फुट पे और माउथ पे इसके सिम्टम्स शो होते हैं, और ये जो डिजीज़ है ये भी होती है कैटल्स में और ये भी होती है बाय वायरस। तीसरी है यहाँ पर रानीखेत डिजीज जो कि होती है पोल्ट्री में, ठीक है, पोल्ट्री के अंदर भी होती है ये बाय वायरस, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें स्टडी करनी है कुछ प्लांट्स की डिजीजेज। अब प्लांट्स की डिजीज है, एक सबसे नंबर वन है सिट्रस कैंकर, और ये होती है बाय बैक्टीरिया, ठीक है। अगर प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर जाता है तो ये होगी, इस डिजीज का नाम है सिट्रस कैंकर, और ये जो डिजीज है ये स्प्रेड होती है बाय एयर। ठीक है, किसी और इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर ये था बैक्टीरिया और फिर वो एयर के साथ उड़ के किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर लग गया, तो वहाँ पर सिट्रस कैंकर नाम की डिजीज़ हो जाएगी। दूसरी है यहाँ पे रस्ट ऑफ वीट, ठीक है। ये जो रस्ट ऑफ वीट है डिजीज़, इट इज़ कॉज्ड बाय फंगस, और ये स्प्रेड होगी एयर और बाय सीड्स, ठीक है। उसके बाद है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ठीक है। ये डिजीज होगी बाय वायरस और ये फैलती है बाय इंसेक्ट, ठीक है, थ्रू एयर, थ्रू एयर सीड्स एंड थ्रू इंसेक्ट्स। जो येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी है ये वायरस की वजह से होती है और स्प्रेड होती है बाय इंसेक्ट्स। उसके बाद है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये डिजीज होती है बाय फंगस, एंड स्प्रेड थ्रू एयर, एयर के थ्रू ये जो फंगस है वो इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद है ब्लास्ट ऑफ राइस,
ये भी होती है बाय फंगस, ठीक है, और स्प्रेड होगी थ्रू एयर। ठीक है, तो ये थी कुछ डिजीजेस प्लांट्स की, जिसके अंदर हमने पांच डिजीज के बारे में पढ़ा है। सिट्रस कैंकर, जो कि बैक्टीरिया से होती है और फैलती है बाय एयर। रस्ट ऑफ वीट, जो कि होता है फंगस से, फैलती है बाय एयर और द सीड्स। येलो वेन ऑफ मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये होती है बाय वायरस और फैलती है बाय इंसेक्ट्स। रेड रॉट ऑफ शुगर केन होती है बाय फंगस और फैलती है बाय एयर। ठीक है, ब्लास्ट ऑफ राइस होती है फंगस से और फैलती है एयर से। ठीक है, तो ये थी सारी डिजीजेज़। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।